शक पर ना दवा चले ना दुआ करे कोई काम, तू जो शक करने लगा तो समझ ले हो गया तेरा काम तमाम। क्योंकि शक करने से शक और बढ़ता है और विश्वास करने से विश्वास बढ़ता है। अब इच्छा आपकी है कि आपको किस तरफ जाना है। जी हां, नमस्कार दोस्तों, समझ तो गए होंगे आप, आज का इमोशन है शक द डाउट। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर देखें। डर और गुस्से को रिलीज करने के लिए वीडियोस बन चुकी हैं और आने वाले दिनों में आपको अपने हर नेगेटिव इमोशन को दूर करने के लिए वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आप भी बताइए कि आप अपने कौन से इमोशन से मुक्ति पाना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए इस बात को। साथियों, मैं लाइफ कोच सरस कमल, मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूं ताकि मेरे साथी जो कोर्स को अफोर्ड नहीं करना चाहते उनको भी मैं कुछ ना कुछ वैल्यू दे सकूं। अपने कोर्सेज में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो टेक्निक सिखाता हूं जिनके अभ्यास से आप अपने जीवन में कोई भी सफलता पा सकते हैं। इन कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sambhavhealer.com पर जाइए और देखिए कि किस तरह इन टेक्निक्स को अपनाकर लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं अपनी जिंदगी में। आप भी इन इनॉग्रल ऑफर्स का लाभ उठाइए। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप किन इमोशन से दूर भाग रहे हैं, किन्हें दूर भगाना चाह रहे हैं। और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, हर नई वीडियो की सूचना आपको समय से मिलती रहेगी। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का अभ्यास। टैपिंग शुरू करते हैं। याद है सबको, सबसे पहले हथेली के हिस्से में, हालांकि मैं अक्सर हर बात पर डाउट करता रहता हूं, कुछ भी नया अपनाने से पहले उस पर शक करना मेरी आदत बन गई है। इस शक की वजह से मैंने अपनी ग्रोथ के बहुत से अवसर, बहुत से मौके गंवा दिए। बावजूद इसके मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, मैं जैसा भी हूं ठीक वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूं। हालांकि बहुत बार मैं अपने शक और डाउट्स के कारण कंफ्यूज रहता हूं, निर्णय नहीं ले पाता, चीजों को टालता रहता हूं और अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में पाता हूं, बावजूद इसके मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, मैं जैसा भी हूं ठीक वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूं। हालांकि मेरे डाउट्स के कारण मेरा जीवन बहुत सीमित रहा, मैं अपना विकास नहीं कर सका, कुछ नया नहीं सीख सका, हमेशा दुविधाओं में रहा, औरों की तरक्की देखकर जलता रहा, बावजूद इसके मैं जैसा भी हूं ठीक वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूं, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। और अब टैप करेंगे दो उंगलियों से अपने आप पर, मेरे तमाम डाउट्स रिलीज रिलीज रिलीज, छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं। अपनी काबिलियत पर मेरे शक, मैं छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं। औरों की काबिलियत पर मेरे शक, मैं अब छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं। मेरी इनसिक्योरिटीज के कारण मेरे शक, मैं अब छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं। अपनी सेहत के संबंध में मेरे डाउट्स, रिलीज रिलीज रिलीज। अपने रिश्तों को लेकर मेरे सारे शक, रिलीज रिलीज रिलीज, रिलीज करता हूं। अपने करियर और अपनी क्षमताओं को लेकर मेरे सारे शक, रिलीज रिलीज रिलीज, छोड़ देता हूं। रुपए पैसों को लेकर मेरे डाउट्स, रिलीज 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 करता हूं, रिलीज करता हूं। होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में मेरे डाउट्स, रिलीज 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 करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। उंगलियों पर टैप करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मेरे डाउट्स, रिलीज रिलीज, छोड़ देता हूं। अपने गोल्स की कामयाबी के बारे में मेरे डाउट्स, रिलीज रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। अपने जीवन साथी पर मेरे शक, रिलीज रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। अपने जीवन के सभी शक, मैं छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं, छोड़ देता हूं। आने वाले जीवन के बारे में मेरे शक, मैं अब छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं। और अब फिर से टैप करेंगे अपनी हथेली पर।
राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि मैं अपने शक और संदेह के कारण अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर सका, अपनी क्षमताओं को अंडर एस्टिमेट करता रहा, औरों पर भरोसा नहीं कर सका, सबसे दूरी बना बैठा और अकेला पड़ गया। ज्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में अक्सर नुकसान ले बैठता हूं। बावजूद इसके मैं जैसा भी हूं ठीक वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। आई एम सॉरी, मैं अपनी सारी शंकाओं के लिए माफी मांगता हूं। ढेरों डाउट्स, ढेरों इफ एंड बट्स, मैं क्षमा चाहता हूं इन सब से। मैं हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और धन से जुड़ी तमाम बातों पर शक करने के लिए माफी मांगता हूं। मैं अपने जीवन में अपने शक पर भी शक करने के लिए माफी चाहता हूं। I'm sorry, लेकिन मैं अपने सभी डाउट्स को धन्यवाद भी देता हूं। मेरे ये शक मुझे और ज्यादा सावधान बनाते हैं। धन्यवाद मेरे सभी डाउट्स को, जो हर दिन हर पल मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं, होशियार करते हैं। थैंक यू डियर डाउट्स, मेरी बेहतरी के लिए सोचने के लिए। और यह भी बिल्कुल सच है कि मैं अपनी सभी शंकाओं से, सभी डाउट्स से बहुत प्यार करता हूं। मैं अपनी हेल्थ की, अपने रिलेशंस की, अपने करियर की और रुपए पैसे संबंधी सभी डाउट्स को, सभी शंकाओं को बहुत प्यार करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं पूरे प्यार और पूरे सम्मान के साथ इन डाउट्स को अब छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं। अब कोई शंका नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं अपने सभी शक, सभी डाउट्स पूरी तरह त्याग देता हूं, छोड़ देता हूं। रिलीज, रिलीज, रिलीज। अब एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। अब इस EFT प्रैक्टिस को आप कई राउंड्स में कर सकते हैं, जब तक आप अपनी नेगेटिविटी के स्केलिंग में कमी ना महसूस करें, जब तक आप उसे जीरो पर ना ले आए। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इसे लाइक कीजिए और साथ ही कमेंट भी कीजिए कि आपने अपना इमोशन कितना कम किया और क्या आप तैयार हैं नियमित इसका अभ्यास करने के लिए, अपने शक वाले इमोशन को परमानेंटली दूर करने के लिए। और साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने शक के दायरे से बाहर निकल सकें। और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.sambhavhealer.com पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेज के इनॉग्रल ऑफर्स की जानकारी आपको वहां मिलेगी, उनका फायदा उठाइए और देखिए किस तरह से लोग इन टेक्निक्स को अपनाकर अपनी जिंदगी में तमाम सफलताएं पा रहे हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल, यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।